ये वीडियो देखने से पहले दोस्तों सब्सक्राइब करें ज्ञानी इनफ चैनल को और प्रेस कर दें बेल आइकन पाने के लिए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, ये मेरा चैनल ज्ञानी इनफ लेकर आया हूँ दोस्तों आपके लिए ऑल न्यू 2019 जो आपकी टोयोटा ग्लैंजा है उसका आप ये वी मॉडल देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब टोयोटा ग्लैंजा आपके नियरेस्ट टोयोटा शोरूम्स में आ चुकी है। अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं तो अपने नियरेस्ट आप टोयोटा शोरूम विजिट कर सकते हो, वहाँ पर आपको इसकी टेस्ट ड्राइव मिल जाएगी। आप इसको खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, यहाँ पर आपको डिटेल वॉक अराउंड देखने को मिलेगा। सारे फीचर स्पेसिफिकेशंस आप साइड्स में शॉर्ट्स में देख पाओगे। कुछ क्वेरी होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके उसको मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। यहाँ पे दोस्तों आपको अगर गाड़ी अच्छी लगती है तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इसमें आगे भी आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। यहाँ पे दोस्तों जो इसकी फ्रंट प्रोफाइल है वो आप देख रहे हैं, तो आप इसका फ्रंट का अच्छे से पूरा व्यू ले सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि बलेनो ही है पूरी, बस अलग ब्रांडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलती है माइनर चेंजेस के साथ। जैसे आप जानते हैं इन्होंने टोयोटा ने मारुति के साथ अपनी जो एक JV है वो कर रखी है, उसी के लिए इनको ये बलेनो सप्लाई करेगी मारुति बना के टोयोटा की ब्रांडिंग के साथ। आ गए हैं पास में और यहाँ पे आप जो इसका पूरा फ्रंट प्रोफाइल है वो पूरा क्लोज़ व्यू आप यहाँ पे ले सकते हो। अच्छे से आप पूरा क्लोज़ व्यू इसका ले लीजिए। बाकी जो ग्रिल आप देखते हैं ये आपको चेंज्ड मिलती है, आपकी बलेनो जो आपने देखी हुई है पूरी आपको यहाँ पे क्रोम प्रोफाइलिंग दी गई है और बहुत ही बढ़िया सा फील आता है जब आप इसको देखते हो। नीचे आप देखते हैं तो आपके जो फॉग लैम्प्स हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड करे गए हैं, ऊपर हो गए आपके हेड लैम्प्स और यहाँ पे जो आपका LED DRL है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। फ्रंट की दोस्तों बहुत बढ़िया से बात कर ली है, सारा जो फ्रंट है वो डिस्कस कर लिया है, सारी आपको इसके फीचर्स फ्रंट में भी देखने को मिल रहे होंगे। बाकी साइड्स में शॉर्ट्स में जो भी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस हैं सारी आपको दिख रही होंगी। अब दोस्तों जो कार का साइड प्रोफाइल है वो आपको यहाँ पे दिखाएंगे, तो पूरा वन फ्रेम व्यू यहाँ पे ले सकते हैं जो इसका साइड लुक है, वन फ्रेम पूरा आपको आइडिया यहाँ पे लगेगा। चलते हैं पास में और जो इसका व्हील एरिया है वो आपको दिखा देते हैं। तो आपको यहाँ पे अपोलो के जो अलॉय व्हील्स हैं वो प्रोवाइड करे गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी पियानो फिनिश और सिल्वर फिनिश आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। टायर का साइज़ है 195/55R16 जो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी कस्टमर के लिए। ORVMs की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ये दिए गए हैं बॉडी कलर के ऊपर, इधर हो गया आपका इंडिकेटर इंसर्ट। बाकी आप यहाँ पे अपनी जो डोर लाइन देखते हैं पूरी क्रोम पे कर दी गई है जो बहुत बढ़िया सा फील दे रही है। डोर हैंडल्स आप देखते हैं तो आपका जो कीलेस का पैच है और क्रोम वर्क आप यहाँ पे देख सकते हो। ऊपर का रूफ है वो आपको दिखा देते हैं, जो रूफ टॉप है वो आपको दिखा देते हैं, तो यहाँ पे आपको रूफ का भी आइडिया लगेगा। चलते जाते हैं दोस्तों आप गाड़ी के पीछे और यहाँ पे आप इसका जो पूरा बैक प्रोफाइल है जो साइड लुक है वो आप देख रहे हो। तो इधर आपका जो फ्यूल इनटेक एरिया हो गया वो आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे जो इसकी की है वो आपको दिखा देते हैं, तो यहाँ पे की मैं निकाल लेता हूँ और यहाँ पे जो आपकी दोनों रिमोट है वो आपको प्रोवाइड करेगा। लॉक अनलॉक बटन आप देख रहे हो, टोयोटा की ब्रांडिंग हो गई। यहाँ पे मैं गाड़ी को अनलॉक भी कर लेता हूँ और जो इसका बैक प्रोफाइल है वहाँ पे हम लोग आ गए हैं। जो बैक लुक है वो आप यहाँ पे ले लीजिए तो बैक का आपको आइडिया लगेगा। यहाँ पे आप दोस्तों ग्लैंजा की ब्रांडिंग देख रहे हैं, टोयोटा की ब्रांडिंग, वी जो इसका मॉडल है सब कुछ आपको क्रोम पे देखने को मिलता है। इधर आपके हो गए जो पार्किंग सेंसर्स, थोड़ी सी आपको जो इसका पीछे का बम्पर उसका डिज़ाइन भी आपको चेंज्ड यहाँ पे मिलता है। बाकी जो आपका रिवर्स पार्किंग कैमरा है वो भी यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे जो ऊपर का हाई स्टॉप लैंप है पहले वो आपको दिखा देते हैं, जो आपका डिफॉगर हो गया, आपका जो रियर वाइपर हो गया। इसके अलावा जो अब यहाँ पे इसकी इंटीरियर स्पेस है, जो आपकी बूट स्पेस है वो आपको दिखा देते हैं। तो बहुत ही डीप बूट है ये, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डीप बूट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो बहुत ही बढ़िया सी स्पेस यहाँ पे देने की कोशिश करी है कंपनी ने, जो बहुत बढ़िया लगा मुझे। बाकी आपको भी यहाँ पे स्पेस अगर बढ़िया लग रही है, सफिशिएंट लग रही है, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका बूट लैंप है वो आपको देखने में मिल रहा है। बाकी जो आपकी रियर पार्सल ट्रे है वो आप देख सकते हो, इसकी भी आपको विड्थ काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे इसको मैं बंद कर देता हूँ और चलूँगा। अब जो गाड़ी का साइड प्रोफाइल है, अदर साइड है, वो आपको यहाँ पे दिखाएंगे, तो अदर साइड का भी आप पूरा व्यू यहाँ पे ले सकते हो, बढ़िया से आप पूरा यहाँ पे आइडिया ले सकते हो। इधर आपका जो स्पॉइलर है उसके बारे में बात करना भूल गया था, ये आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो पूरी आपको बलेनो ही देखने में लगेगी, थोड़े से आपको माइनर चेंजेस यहाँ पे दिए गए हैं कंपनी की तरफ से। अब यहाँ पे जो इसका इंटीरियर है, बाहर से काफ़ी बात कर ली है, अब जो इसका इंटीरियर है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे पहले आप पूरा जो इसका इंटीरियर उसका पूरा लुक ले लीजिए, तो अच्छे से आपको पूरे इंटीरियर का यहाँ पे व्यू मिल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा। अब जो डोर है वो आप देख लीजिए, तो आपकी डोर पॉकेट्स हो गई, आपके यहाँ पे जो पावर विंडो कंट्रोल्स हैं वो आप देख रहे हो, आपका विंडो लॉक हो गया, डोर लॉक अनलॉक हो गया, ORVM एडजस्टर हो गया, इधर आपको सिल्वर फिनिश दे दी गई है और डोर पॉकेट्स भी काफ़ी बढ़िया सी यहाँ पे आपको विड्थ मिलती है। इधर आपका जो हैंडल है डोर खोलने के लिए मिलता है क्रोम फिनिश पे। सीट एडजस्टमेंट्स चेक कर लेते हैं, तो आपका जो बैक एडजस्ट है, हाइट एडजस्ट है, दोनों दी गई हैं यहाँ पे, मैनुअली आपको करना पड़ेगा। बाकी सीट आपको आगे पीछे करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हो। फ्यूल लिड खोलने का जो आपका पुलर है वो आपको नीचे यहाँ पे दिया गया है।
यहाँ पे दोस्तों बाहर से काफ़ी बढ़िया से वो आपको मैंने बता दिया है। इधर आपके जो एड्रेस हैं आपको एडजस्टेबल दिए गए हैं, पीछे वाले भी, पीछे जब चलेंगे तब देख लेंगे। अब चलेंगे गाड़ी के अंदर और अंदर बैठकर देखेंगे कि अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या फंक्शनैलिटी है। तो लेट्स गो इनसाइड द कार। तो यहाँ पे मैं अब जो ग्लैंजा है, वी मॉडल है, उसके मैं अंदर आ गया हूँ, अंदर से आपसे बात कर रहा हूँ। तो जैसे आपको मैंने एक्सटीरियर में बोला था बलेनो ही आपको देखने में लगेगी, वैसे आप इसका इंटीरियर पूरा देख सकते हैं। तो वही पूरा आपको पूरा जो पैटर्न है वही प्रोवाइड करा गया है। डोर की जो बटन्स वगैरह थी शेयर कर दी। यहाँ पे जो अपनी लाइट एडजस्टमेंट है वो आप यहाँ से कर सकते हो। इधर आपका इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच हो गया और पूरा क्रोम बॉर्डरिंग यहाँ अवेलेबल है। एसी वेंट्स भी आपको बहुत ही बढ़िया स्टाइलिश वे में दिए गए, बहुत ही स्विगी वे में दिए गए और सिल्वर इंसर्ट आप इसकी बॉर्डरिंग में देखते हो। ऊपर अब देखते हैं जो इसका डैशबोर्ड है, तो रीच दिखा देता हूँ। तो बहुत ही ब्रॉड और अच्छी क्वालिटी का डैशबोर्ड यहाँ पे प्रोवाइड करा गया है। रेंज के हिसाब से मटेरियल क्वालिटी बढ़िया लग रही है। बाकी जो इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो देख लेते हैं। तो आपका जो आप ये मीटर है, ड्राइवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, आपका जो स्पीडोमीटर है, नीचे आपका फ्यूल गेज है, टेम्परेचर मीटर है, सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ले सकते हो। बहुत बढ़िया से इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड करी गई है। जो विजिबिलिटी है वो बहुत बढ़िया है, बहुत ही ब्रॉड व्यूइंग यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। आपके इसके बारे में क्या व्यूज़ हैं ज़रूर बताइएगा। बाकी यहाँ पे आपके टॉगल्स हैं वाइपर के, इधर आपका है इंडिकेटर और लाइट का टॉगल। पीछे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको जो स्टेयरिंग पे आपके मीडिया कंट्रोल्स हैं वो दिए गए हैं, क्योंकि आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे अवेलेबल है। टोयोटा की आप ब्रॉड बढ़िया सी ब्रांडिंग यहाँ पे देखते हैं। और साइड में आपको मिलते हैं क्रोम इंसर्ट्स। यहाँ पे आपके कॉलिंग कंट्रोल हो गए। जैसे मैंने बोला आपसे कि मारुति ने गाड़ी बनाई, तो उनकी गाड़ियों में आपने देखा है कि आपको जो कॉलिंग कंट्रोल से नीचे की तरफ दिए जाते, तो यहाँ भी ऐसा कोई चेंज नहीं किया गया, वही आपको पूरा यहाँ पे सिस्टम देखने को मिल रहा है। बाकी बटन्स हैं, मोड की, म्यूट की, वॉल्यूम है, ट्रैक वगैरह चेंज करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। अब दोस्तों जो इसका सेंटर कंसोल है वो आपको दिखाएंगे। तो इधर से आप पूरा सेंटर का यहाँ पे आइडिया ले सकते हो, सेंटर का आपको पूरा आइडिया लगेगा। यहाँ पे आप देखते हैं तो आपका जो शायद एक गाड़ी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम, तो ये भी आपको पूरा स्मार्ट प्ले सिस्टम जो आपको मैंने मारुति में दिखाया है, वैगनार में दिखाया है या आपकी इंग्लिश में दिखाया है, वैसे ही कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके जो भी फीचर्स हैं साइड्स में, शॉर्ट्स में आपको देखने को मिलेंगे। इसके बारे में पहले भी बहुत बार बात कर चुका हूँ, तो इसका आपको डिटेल रिव्यू अगर देखना है इस सिस्टम का खाली मैं बोल रहा हूँ, तो आप जाके मारुति की जो प्लेलिस्ट है वो चेक कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आप देखते हैं तो आपको सब हार्ड टच बटन्स प्रोवाइड करी गई हैं और बहुत ही बढ़िया सा डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ अगर हम इसका जो टच है वो आपको दिखा रहे हो, तो मैंने टच किया और बहुत ही बढ़िया सा रिस्पांस आपको यहाँ मिल जाता है इसकी टच फंक्शनैलिटी में। बाकी एसी वेंट्स आप यहाँ पे देखते हैं तो डिज़ाइन आपको चेंज मिलती है साइड से, और यहाँ पे आपको डार्क जो ग्रे फिनिश है वो यूज़ में देखने को मिलती है। यहाँ पे दोस्तों सिस्टम के लिए बोलना चाहूँगा, साइड में शॉर्ट्स में आपने ध्यान दिया है, सारे फीचर्स आपको इसके दिख गए होंगे जो भी इसमें अवेलेबिलिटी है। बाकी आपका यहाँ पे जो हजार लाइट का बटन है वो आप देख सकते हो। नीचे आते हैं तो आपके एसी कंट्रोल एरिया हो गया, आपका जो ऑटोमेटिक एसी है वो आपको इसमें अवेलेबल है और पूरा डिस्प्ले आपको दिया गया आपकी इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए, जो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे और नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपका जो 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है आपका मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए, इधर आपका जो यूएसबी रॉक्स है वो आपको दिया गया, मतलब कि मोबाइल में कोई म्यूजिक है कनेक्ट करके आप अपने सिस्टम में प्ले कर सकते हो, आपकी यूएसबी में कोई म्यूजिक है तो आप कनेक्ट करके यहाँ पे प्ले कर सकते हो अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम में जो भी आपका डेटा है। बाकी यहाँ पे हैं कुछ कन्वीनियंस स्पेसेस। पीछे आते हैं तो यहाँ पे भी आपको दो कप होल्डर्स अवेलेबल हैं। ऑटोमेटिक मॉडल है तो यहाँ पे इतना गेयरबॉक्स के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। इधर आपका जो शिफ्ट लॉक है वो आप देख सकते हो और फिनिश इसकी बहुत बढ़िया लग रही है, डुअल फिनिश आप देखते हैं। ऊपर आपको मेन पोर्शन में आपको मिलती है रगेड फिनिश, नीचे आप देखते हैं यहाँ पे जो आपको डार्क ग्रे फिनिश प्रोवाइड करी गई है। पीछे आप पूरा यहाँ पे देख लीजिए तो आपका हैंड ब्रेक हो गया, क्रोम बटन के साथ अवेलेबल है। इधर आपका जो आर्म रेस्ट है आपको मूवेबल नहीं मिलता है, आप देख सकते हो। बाकी जो इसकी स्पेस है अंदर की वो दिखा देते हैं, तो नॉर्मल स्पेसेस यहाँ पे प्रोवाइड करी गई, इतना कोई मेजर स्पेस यहाँ पे नहीं मिलता है। अब चलेंगे को ड्राइवर के साइड, तो यहाँ पे आप देख लीजिए एयरबैग, तो मतलब ड्राइवर को ड्राइवर आपके एयरबैग हो गए। इसको खोल लेते हैं तो आपका यहाँ पे कोई भी आपको लाइट या कूलिंग वेंट नहीं मिलता है, नॉर्मल आपको यहाँ पे ग्लव बॉक्स प्रोवाइड किया गया, ये आप देख सकते हो। इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। और अब यहाँ पे दोस्तों जो इसका को ड्राइवर साइड है वो आप देख लीजिए, तो को ड्राइवर साइड का भी थोड़ा सा आपको फील आ जाएगा। सीट की कुशनिंग मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, तो अच्छे से आपको आइडिया लगेगा। बाकी जो लोग भी टेस्ट ड्राइव लेते जाएं अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करेगा। अभी मैं ड्राइवर साइड बैठा हुआ हूँ तो सीट कंफर्टेबल लग रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे जो आपका को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर है लाइटेड आपको दिया गया है। चेक करते हैं ड्राइवर साइड, तो ड्राइवर साइड भी आपको लाइटेड वैनिटी मिरर यहाँ पे देखने को मिलता है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये। बाइफरकेटेड आपको यहाँ पे लाइट्स दे दी गई, ये आप देख सकते हो। दोनों आपको जो आपका पैनल काफ़ी ब्रॉड भी दिया गया, तो बहुत बढ़िया सी विजिबिलिटी आपको केबिन में आएगी। यहाँ पे दोस्तों मेरे हिसाब से मैंने आपको इसका जितना भी डिटेल था सारा शेयर कर दिया है, जो फ्रंट प्रोफाइल का सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी साइड्स में, शॉर्ट्स में। अब चलेंगे दोस्तों और जो गाड़ी का रियर सीट है वहाँ बैठकर देखेंगे कि पीछे बैठने में कैसा लगता है, पीछे क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या फंक्शनैलिटी है। तो दोस्तों लेट्स गो टू द बैक ऑफ द कार
नाउ यहाँ पे अब आप ग्लैंजा की जो रियर सीटिंग है वो आप देख रहे हैं, तो आपके जो हेडरेस्ट हैं ये आपको एडजस्टेबल दिए गए हैं, फ्रंट वाले मैंने आपको बता दिए थे, बाकी जो आपका रियर डोर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपकी डोर जो आपकी बॉटल होल्डर है वो अवेलेबल है, यहाँ पे जो आपका पावर विंडो कंट्रोल हो गया, इधर आप देखते हैं जो आपको सिल्वर फिनिश है वो जैसे मैंने आगे दिखाई थी वो भी यहाँ पे भी देख सकते हो आप, बाकी जो आपका डोर हैंडल है डोर खोलने के लिए दिया गया है क्रोम फिनिश पे। अब चलेंगे दोस्तों गाड़ी के अंदर और अंदर बैठकर देखेंगे, तो आप यहाँ पे जो लेग स्पेस है वो आप देख सकते हो, तो सीट अभी आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेस है यहाँ पे, फिर आप आगे की जो स्पेस है वो आप देख लीजिए, तो अभी और सीट पीछे आएगी तो दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी जो लोग भी यहाँ बैठते जाएँ गाड़ी में टेस्ट ड्राइव लेते जाएँ अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा तो काफ़ी बढ़िया रहता है। मेरी हाइट 6 फीट है और यहाँ पर हेडरूम भी बढ़िया मुझे मिल रहा है। बाकी यहाँ पे जो आपका सेंटर केबिन लैंप है वो भी आपको दिया गया है, और आपके यहाँ पे जो ग्रैब हैंडल्स हो गए वो आप देख सकते हो। चेक करते हैं हैंडरेस्ट वगैरह के लिए, तो हैंडरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, जैसे आप देख सकते हो प्लेन सीट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करी गई हैं। अब दोस्तों नीचे आते हैं, तो आपको रियर एसी वेंट तो यहाँ पे नहीं दिया गया, लेकिन आपको 12 वोल्ट का सॉकेट ज़रूर दे दिया गया, जो रियर पैसेंजर हैं वो अपना यहाँ पे आराम से जो गैजेट्स वगैरह वो चार्ज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको कन्वीनियंस स्पेसेस भी प्रोवाइड कर दी गई हैं। बम्प की बात करते हैं तो आप यहाँ मेरा लेग देख सकते हो, इतना कोई हैवी बम्प नहीं दिया गया है, तो बीच में जो पैसेंजर बैठेगा उसको काफ़ी कम्फर्टेबल रहेगा, आराम से वो यहाँ पे बैठ सकता है, आराम से यहाँ पे उसको जो बोल सकते हैं कि स्पेस है वो आपको बढ़िया मिल जाएगी, पैर इतने स्प्लिट नहीं करने पड़ेंगे और लॉन्ग ड्राइव में भी काफ़ी कम्फर्टेबल रहेगा। यहाँ पे दोस्तों अब आ गए हैं जो गाड़ी का डैशबोर्ड है, जो हमेशा मैं आपको वीडियो ख़त्म करने के दौरान दिखाता हूँ, जो इसका पूरा फ्रंट व्यू होता है जो शायद बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी गाड़ी में, तो आप अच्छे से पूरा यहाँ पे देख सकते हो, वन फ्रेम व्यू आपको यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको कौन सी गाड़ी ज़्यादा अच्छी लगी, जो आपने बलेनो देखी हुई है वो आपको ज़्यादा अच्छी लगी, कि आपको ये टोयोटा की ग्लैंजा ज़्यादा अच्छी लग रही है, किस में आपको ज़्यादा मज़ा आया देखने में। थोड़े से आपको माइनर चेंजेस देखने को मिले होंगे यहाँ पे जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ, देखते रहिए ज्ञानी इनफ, लेकर आता रहूँगा और वीडियोज़ आपके लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।